हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हम बहुत अच्छी हूँ। इस ब्लॉग में जो है मैं आपके साथ अपना बेबी शावर का जो मेरा फंक्शन हुआ था मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे पास प्रॉपर तो वीडियो फोटोज नहीं है, बट छोटी छोटी वीडियोज फोटो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए और मेरे होने वाले बेबी के लिए बहुत ही अच्छा था। उस टाइम पे मुझे और मेरे बेबी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी गई थी, ताकि जब भी मेरा बेबी इस दुनिया में आए तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, साथ में माँ भी स्वस्थ रहे, बिल्कुल ठीक रहे। तो आप मेरा ब्लॉग एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स सी गाइज, ये सब कुछ मैंने खुद बनाया था, जैसे कि मामा, नानी, नानू, मौसी, खिलौने, इधर मिकी माउस, इधर निप्पल, इधर भी खिलौना, इधर निप्पल, इधर बॉय के पैर, इधर गर्ल्स के पैर। मॉम टू बी के तो काफी मिल रहे थे मुझे, बट डैड टू बी का मुझे नहीं मिला था, इसलिए डैड टू बी का भी मैंने खुद ही बनाया था। ये सारा कुछ मैंने बेबी शावर के लिए ही किया था, डेकोरेशन के लिए। तो मुझे ये सब करना ना काफी अच्छा लगता है, ये सब चीजें करनी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए। वो आने वाली है या आने वाला है, ये जल्द ही पता चल जाने वाला है। कोई छोटे छोटे हाथों से हमारा संसार सजाने वाला है, बचपन जीने का एक मौका फिर से लाने वाला है, उंगली पकड़कर किसी नए रास्ते ले जाने वाला है। बेटा, तेरी हर जिद का मतलब पूछूंगा, तू बाप बनेगा जिस दिन तुझसे तब पूछूंगा। दादाजी का ये कहना अब सच होने वाला है, कोई नटखट नानी का आराम चुराने वाला है। वार्ता करने के बाद हमने एक गेम खेला। उस गेम में जो है हम दोनों, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को आईज क्लोज करके या आंखों पे पट्टी बांध के इस पूजा की थाल में जो पांच फल रखे हैं, इन पांचों फल में से एक एक फल उठाना था। तो मैंने तो सेब उठाया था और मेरे हस्बैंड ने जो है बब्बू घोसा उठाया था। मुझे नहीं पता ये गेम क्यों खेला जाता है, तो अगर आपको पता हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। गाइज, ये मेरी फैमिली है और सब इतने हैप्पी थे, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा खुश थे। ये मेरी दादी हैं जो नाच रही हैं, और यहाँ पे देखिए सबके हाथ में जो मैंने बनाया था, नानू, मामा, मौसी और नानी वाला, सबके हाथ में है ये। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा मम्मी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सब इतना खुश थे ना, कोई कुछ कह ही नहीं सकते थे। एक घर में एक नन्ना सा मेहमान आने वाला था और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, हम दोनों भी खुश थे। और मतलब गाइस, ये यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर डांस कर रहे थे, और मुझे मेरी फैमिली मना कर रही थी कि तुम इस कंडीशन में डांस मत करो, लेकिन मुझे डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है। भले ही मुझे डांस नहीं आता करना, बट मुझे काफ़ी पसंद है डांस करना। और ये मोमेंट ही ऐसा था कि बिना डांस करे रुका ही नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे और मेरे होने वाले बेबी को काफ़ी सारी शुभकामनाएं दी गई थी और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत हैप्पी थी मैं यहाँ पे इस टाइम पे। गाइस, ये मेरे भाई हैं और कुछ मेरे भाई जैसे हैं, हम सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। देखिए सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे चाचा हैं और ये मेरे छोटा भाई है, इन्होंने भी कितना डांस किया, एंजॉय किया यहाँ पे। फिर मैं दोबारा से डांस करने आ गई, मैं किसी के कहने पे रुकी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो डांस करना था। डांस जितना पसंद जो है, थोड़ा बहुत जैसा भी आता है मैं कर लेती हूँ गाइस डांस।
और यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी को भी मतलब डांस के लिए बोला है। मेरी मम्मी को डांस नहीं आता बट फिर भी वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करती है डांस करने के लिए। ये मेरी मासी और मेरी मम्मी और मैं तीनों ही मिलके डांस कर रहे हैं। हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये मेरे पापा और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड को भी डांस नहीं आता, मेरी तरह ही है वो। और यहाँ पे फिर से मेरे दोनों भाई और मेरे मेरी मामी हैं जो यहाँ पे डांस के लिए, इन्हें डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। और इन्होंने कहा भाई मैं तो खूब नाचूंगी, नन्ना मेहमान आने वाला जो है मैं तो खूब इंजॉय करूंगी। इन्होंने किसी को डांस करने नहीं दिया और खुद ही डांस किया पूरे फंक्शन में, खूब इंजॉय किया, मस्ती करी। तो गाइज हम सब ने खूब इंजॉय किया, मस्ती करी, डांस किया। तो फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।